दोपहिया वाहन चुराने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ। मानगापुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य ओम प्रकाश तारे लाल ध्रुवे, उसके भाई हरिप्रसाद ध्रुवे, सागर तहसील कुर्रई सिवनी मध्य प्रदेश, चंद्र सिंह बहुलाल कुंभरे सिमरिया कुर्रई सिवनी मध्य प्रदेश और विनोद राम सिंह सिरसाम पोतलई कुर्रई सिवनी मध्य प्रदेश निवासी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से दो पहिया वाहन जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार कोलबा स्वामी सोसाइटी महाराणा नगर 2 मानकापुर निवासी मोहम्मद सद्दाम शेख सादिक ने मानकापुर थाने में दो पहिया वाहन MH37M0491 की चोरी की शिकायत की। चोरों ने मोहम्मद सद्दाम का दो पहिया वाहन वॉल कंपाउंड के बाहर से चुराया था। पुलिस ने गुप्त सूचना और तकनीक का उपयोग कर आरोपी ओम प्रकाश और उसके दोस्त चंद्र सिंह कुंभरे को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने अन्य साथी हरिप्रसाद और विनोद का नाम उजागर किया। पुलिस ने आरोपियों से चोरी के दो पहिया वाहन सहित करीब 45,000 रुपए का माल जब्त किया है। या गुन्ह्यामध्ये फिर्यादी मोहम्मद सद्दाम शेख प्लॉट नंबर 59 कोलबा स्वामी सोसायटी या ठिकाणी त्यांनी घरासमोर आपली गाडी पार्क करून ठेवली असताना अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेली अशा तक्रारीचा गुन्हा दाखल होता। याच्यामध्ये तपासामध्ये आपण टेक्निकल आधारे CCTV फुटेज आणि याच्या आधारे त्याचे फुटेज जप्त केले आणि त्यामध्ये एक व्यक्ती गाडी ढकलत घेऊन जाताना आणि दोन समोर दिसत होते। त्या तपासामध्ये जे दोन तीन व्यक्ती दिसत होते त्याच्या बाबतीत अधिक तपास केला असता ते जे बांधकाम कामगार असतात तिथे काम करणारे मजूर होते आणि त्यापैकी ओमप्रकाश ध्रुवे आणि चंद्र सिंग यांनी ती गाडी जी आहे ती गाडी घरासमोरून पाहिली आणि त्यांनी फोन केला त्याच्या भावाला। त्याचा भाऊ जो होता विनोद सिरसाम आणि हरी ध्रुवे हे MP होते त्यांनी त्यांना फोन करून सांगितलं की अशी गाडी आहे इथे तुम्ही या आणि घेऊन जा। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी BCN न्यूज नागपूर।